वालेकुम दोस्तों क्या आप भी हीटर ख़रीदना चाहते हैं और कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सा हीटर ख़रीदें किस क्वालिटी का हीटर ख़रीदें और कितनी कीमत में हीटर ख़रीदें जी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं मैं हूं मोहम्मद सकलेन और आप देख रहे हैं एम एस पाक सोलर दोस्तों वैसे तो हीटर्स की बहुत सी एकसाम होती हैं लेकिन अगर रोड्स के हवाले से बात करें तो दो किस्म के हीटर्स आजकल ज़्यादा चल रहे हैं सिंगल रोड हीटर और डबल रोड हीटर दोस्तों जो डबल रोड हीटर होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कम टम्परीचर चाहिए तो आप एक रोड पे उसको चला सकते हैं और अगर ज़्यादा टम्परीचर चाहिए तो आप उसको दो रॉड पर चला सकते हैं जी तो दोस्तों अब इसी तरह हम कुछ हीटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो क्वालिटी के लिहाज से भी बेहतरीन हैं और कीमत के लिहाज से भी बेहतरीन हैं। दोस्तों उसके बाद मौजूद है हमारे पास औरोरा फैन हीटर मॉडल नंबर नाइन जीरो सिक्स आर दोस्तों ये इसके अंदर फ़ीचर्स हैं आप इसको सिंगल फेज सप्लाई पे चला सकते हैं और इसका जो वज़न होता है वो डेढ़ किलो होता है तकरीबन और इसके अंदर कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि अगर आपको हीट ज़्यादा चाहिए तो आप इसको 2000 हज़ार वाट पर सेट कर सकते हैं और अगर आपको हीट कम चाहिए तो आप इसको हज़ार वाट पर सेट कर सकते हैं दोस्तों अगर कीमत के लिहाज से बात करें तो ये इतना महंगा नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से 2000 के दरमियान ये आपको अवेलेबल होगा मार्केट से इजीली दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास हीटर मौजूद है वो है सीको फैन हीटर जिसका मॉडल नंबर है थ्री सिक्स नाइन एट दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस हीटर के अंदर कौन कौन से फ़ीचर्स हैं दोस्तों जिस हीटर की पहले हमने बात की है वो अगर आपका छोटा रूम है मिसाल के तौर पर दस बाई बारह का रूम है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो हीटर है ये बड़े रूम्स के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है और दोस्तों अब अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो इतना ज़्यादा कॉस्टली या महंगा नहीं है तेईस सौ से चौबीस सौ के दरमियान आपको मार्केट से ईज़िली मिल जाएगा दोस्तों अब हमारे पास मौजूद है तीसरे नंबर पर वुडलैंड कंपनी का एक ब्लोअर फैन हीटर जिसके फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं ये इसके फीचर्स हैं और अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो ये इतनी ज़्यादा कीमत का नहीं है मार्केट में जो इसकी कीमत है वो सतारह सौ या ज़्यादा से ज़्यादा अठारह सौ रुपये है दोस्तों ये जो वुडलैंड ब्लोअर फैन हीटर है ये भी दस बाई बारह के रूम के लिए है ये आप देख सकते हैं कि देखने में भी कितना खूबसूरत है और कीमत के हवाले से जो हमने बात की तो सतारह सौ से अठारह सौ के दरमियान है इतनी ज़्यादा कीमत भी नहीं है इसके बाद दोस्तों अगर आप महंगा और ब्रांडेड फ़ैन हीटर ख़रीदना चाहते हैं तो सोगो कंपनी का ये मॉडल जे पी एन सिक्स थ्री थ्री रिचार्जेबल फ़ैन ख़रीद लें ये दोस्तों रिचार्जेबल फ़ैन है इसके अंदर बैटरी होती है ए सी डी सी पे चलता है और पचास हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चलता है और सिंगल फेज सप्लाई पे चलता है ये बहुत ही देखने में भी खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है अगर कीमत की बात की जाए तो ये मुख्तलिफ़ इकसाम के होते हैं सात से आठ हज़ार के दरमियान आपको बेहतरीन ये फ़ैन हीटर मिल जाएगा दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और एम एस पार्क सोलर को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू